एवेन्यू सुपरमार्ट के भी आने वाले हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट की पहली तिमाही के नतीजे कल यानी कि वीकेंड के दौरान आएंगे। कैसे रहेंगे नतीजे, आइए एक बार जान लेते हैं अनुमान विनी से। विनी बताइए। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के जो नंबर्स है, फेयर आइडिया है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी Q1 की ऑपरेशनल अपडेट आई हुई थी। तो ऑपरेशनल अपडेट में उन्होंने बताया था कि उनकी जो रेवेन्यू होगी वो है 11,737 क्रॉस पे। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो ग्रोथ होगी अराउंड 19% की रेवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सबड्यूड एट 8.4%, वाइल मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, मार्जिन से 70 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन है और 9.6% पे मार्जिन एक्सपेक्ट है इबिटा मार्जिन। स्टोर काउंट ये टाइम जो उनकी Q1 अपडेट में आ गई थी, थोड़ा स्लो पेस हो गया है क्योंकि ये टाइम कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करी तो सिर्फ 3 ही स्टोर ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर्ड। तो डीले इन हाई मार्जिन बिजनेस भी हो रहा है, उनकी रिकवरी जो है हाई मार्जिन जनरल मर्चेंडाइज बिजनेस है वहां पे डीले हो चुका है, तो वो इम्पैक्ट करता है सेल्स को, वो इम्पैक्ट करता है उनके रेवेन्यू को भी और उनके मार्जिन को भी। उसके अलावा प्रेशर हो रहा है थोड़े कंजम्पशन पे, डिस्क्रिशनरी साइड पे, नॉन एफएमसीजी बिजनेस पे, तो जो इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस को। और रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट की बात करें तो वो बिनाइन ही रहा है, कम ही रहा है Q1 में। और उनकी जो बात करें तो वहाँ पे वो प्री पैंडेमिक लेवल से अभी भी कम चल रहा है। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे तो डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रहे हैं, क्या कॉमेंट्री है वहाँ पे, स्टोर प्लान्स क्या है, क्या आगे जाते हुए इम्प्रूव होगी स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स, और मार्जिन ट्रैजेक्टरी क्या है मीडियम टर्म पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल विनी, शुक्रिया एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजों से ठीक पहले अनुमान हमें बताने के लिए। सो क्लियरली डिमांड ट्रेंड्स क्या है, स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, कमेंट्री क्या है, इस पर खास नज़र रखनी होगी। लेकिन नतीजों से ठीक पहले आज हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट के स्टॉक में ट्रेड 3,800 के लेवल्स के आसपास। राजेश जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट पर राय क्या होगी? तो मानसी जी, पिछले 4-5 दिन में देखें तो एक म्यूटेड ही प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट का। और अगर हम देखें तो स्टॉक में जो एक हर्डल या सप्लाई जोन जो बना हुआ है वो है करीब 3850-3860 के जोन में। हमें लग रहा है कि एक अगर ब्रेकआउट यहाँ पे बनता है 3860 के ऊपर, अगर स्टॉक के प्राइजेस निकलते तो यहाँ पे एक मूव बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक लोअर साइड पे, अगर हम इसको देखें पिछले 2-3 हफ्तों का मूव भी देखें तो स्टॉक 3750 से 3800 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बना के यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर स्टॉक में 3860 के लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो इसकी रैली यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है 3950 इवन 4000 की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, 3760 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। तो इंटैक्ट रखिए राय, स्टॉप लॉस के साथ आपको मिलती हुई दिख